नमस्कार एमबीसी न्यूज़ आर 3 को स्वागत करछु मु संगीता नजपके प्रथमे हेडलाइन्स पर मुकाबला अधिक प्रभावित 10 राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह प्रधानमंत्री का आलोचना अधिक ऑक्सीजन सिलिंडर जगाई देबा लागि दिल्ली सरकारंकर दाबी कोरोना करुछि कलबल दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल गला 25 कोविड आक्रांत को जीवन सेपटे मुंबई विजय बल्लभ हॉस्पिटल अग्निकाण्ड गला 14 रोगी जीवन आसंता काली ठरु दुईदिनिया सटडाउन नियम सामान्य बदलाइले एसआरसी शनि और रवि सका 5-6 जाए मर्णिंग वाक और साइकिलिंग लगे घंटाए हेब कोहल राज्य में चिन्हट होना ट्रिपल म्यूटान पश्चिमबंग दिल्ली छत्तीसगढ़ में मतुची भूताणु परिवार कल्याण निर्देशक कहले टीका रोकीपारे कि ना चली अनुध्या मृत्यु पर भी शव पहुंचे निर्यातना केन्दुझर घटगाँव में ना शव व्यवच्छेद केन्द्र वर्ष वर्ष धरी ग्रामवासी हंतसंत सेबे आवश्यक भित्तिमि अभाव कहले मुख्य चिकित्सक देश में कोरोना स्थितर मुकाबला उपरे गुरुत्व देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर सबुठ अधिक संक्रमित 10 राज्यर मुख्यमंत्री सह आलोचना कर प्रधानमंत्री यह राज्यगुड़िकला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दिल्ली केरल मध्यप्रदेश कर्णाटक आदि राज्यर मुख्यमंत्री उपस्थित थे बैठक में केन्द्र गृहमंत्री नीति आयोग सदस्य उपस्थित थे दिल्ली को तुरंत अधिक परिमाण ऑक्सीजन जोगाइबा व्यवस्था करने लगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को अनुरोध करते हस्पिटाल गुड़िक देखा जा ऑक्सीजन अभाव तुरंत पूरण करने लगी से कहते दिल्ली में ऑक्सीजन बाहित ट्रक विभिन्न स्थान में अटकई दि जाऊपरी ट्रक दिल्ली में पहुंच पार से लगी से ही राज्यर मुख्यमंत्री मानक अंततः फोन कल्टे लगी प्रधानमंत्री को केजरीवाल कहते महामारी वृद्धि हेतु अनेक राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भुशुड़ी पड़ी किदिन हो राज्य में अम्लजान अभाव डाक्तखाना शर्या और औषध अभाव केन्द्र को नवेदन करते परिस्थिति को अनुधान कर प्रधानमंत्री आलोचना कर मंत्री जी सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है प्रधानमंत्री जी जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए सर देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं ऐसे में हम क्या करें सर मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की आधे घंटे की 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात राज्य में बढ़ुची संक्रमण हार एने शुक्रवार रातिर सोमवार सकाल जाए लगे वीकेंड सटडाउन राज्यर समस्त सहरांचल लागू हो कटकणा सटडाउन बेले केवल जरूरीकालीन सेवा जारी रहिबो सेपटे सटडाउन कटकणा शुक्रवार राति 9 रु सोमवार सकाल 5 जाए बलबत्तर रहिबो बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना स्पष्ट करिसेंती शनिवार और रविवार सकाल 5 रु 6 घटिका गोटाए घंटा मर्णिंग वाक और साइकिलिंग लगे कोहल पश्चिमबंगुर आसुथिबा समस्त व्यक्ति क्वारेन्टाइन बाध्यतामूलक करायैछि बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर राज्य रे वर्तमान राज्यर समस्त सहरांचल रे
संध्या भाया नाइट कर्फ्यू जारी रही आज मध्य नाइट कर्फ्यू बलवत्तर अच्छी आज नाइट कर्फ्यू कल सका पांचटा पर्यंत बलवत्तर रहीपर आपण मैंने जानते राज्य सरकार आदेश दे सप्ताहत तो सटडाउन करने राज्यर सहरांचल गुड़िकरे एवं गणमाध्यम जथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाजिक गणमाध्यम केते गुड़िए कोरी आसी जे सटडाउन शनिवार सकाळु आरंभ हो कि संध्या रे आरंभ ए संपर्क में आप मानक सूचे देवा चाहे जे सप्ताहत सटडाउन जोटी राज्यर सहरांचल गुड़िक हम शनिवार रविवार मे 15 तारीख पर्यंत बलवत्तर रहिबो ताहा शनिवार सकाळु आरंभ हो एवं शनिवार रविवार दुई दिन रहिबो ता अर्थ शुक्रवार संध्या जो नाइट कर्फ्यू आरंभ होइथिबो से नाइट कर्फ्यू रु कंटिन्यू करिबो सटडाउन नाइट कर्फ्यू सरु सरु सकाळु सटडाउन आरंभ हो एवं ताहा सोमवार सकाळ 5टा पर्यंत लागू रहिबो तेणु ता अर्थ शुक्रवार संध्या आरंभ होता नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू कर सटडाउन को सटडाउन सर सोमवार सकाळ 5टा तेणु राज्यर समस्त सहरांचल मुझे जनसाधारण को सूचे देवा चाहे ये आज नाइट कर्फ्यू शुक्रवार नाइट कर्फ्यू सहित शनिवार सकाळ सप्ताहत सटडाउन वीकेंड सटडाउन कंटिन्यू कर शनिवार रविवार दुई दिन सटडाउन पर सोमवार दिन सका 5टा पर्यंत यह बलवत्तर रही समय रे जो प्रकार रेस्ट्रिक्शन जहाँ आम कही सब रेस्ट्रिक्शन गुड़िक लागू रवल अत्यावश्यक सेवा एवं किसी परमिटेड एक्टिविटी जहाँ दिखाई से सब चालू रेब आसंता काली राज्यर समस्त सहरांचल सप्ताहत सटडाउन आरंभ हो भुवनेश्वर महानगर निगम कौन कौन रही से नहीं सूचना देखते कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी से कहते वर्धित कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी शनिवार सकाळ ठारु आरंभ हो सप्ताहत सटडाउन सोमवार सकाळ 5टा पर्यंत यह जारी रहिबो सकाळ 5टारु 8टा मध्य खबर कागज बंटन लगे मिलिबो अनुमति क्षीर दुकान खोला रहिबो फूड और ग्रोसरी सामग्री होम डेलीवरी हेबो पश्चिमगुर आसीथिबा समस्त व्यक्तिक पई क्वारंटाइन बाध्यतामूलक करा जायछि रेल स्टेशन ने खोला जायछि स्वतंत्र काउंटर सेहिपरि विमान रे आसुथिबा यात्रीक उपर भी दृष्टि रहिछि आवश्यक स्थले लोक माने 1929 को कॉल करि परिबे बोली कहिछन्ते कमिश्नर क्वालिटी अमर एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर वीकेंड शटडाउन आरंभ होबो प्रैक्टिकली जदि आपण देखिबे आज राति रे ही तार इंपैक्ट आही जिवो बिकॉज नाइट कर्फ्यू 9टा बडे होउछि एंड काली ठू से कंटिन्यू करजिबो वीकेंड शटडाउन रे वीकेंड शटडाउन रे किछि किछि जिंस रे रिलैक्सेशन करा है छी जे लाइक बूथ रिलेटेड मिल्क सप्लाई होम डिलीवरीज और ये सब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन रा जो टैक्सी ये सब रहउछि सो ता उपरे एटा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे छंती सो आई विड रिक्वेस्ट भुवनेश्वरवासी को आम रिक्वेस्ट करुचु कि सब माने जमती या को मानिबे एंड जो भी इश्यूज थिबो ताहा रिलेटेड सेटा आम एड्रेस करिवु किंतु कोविड रिलेटेड जदि किछि प्रॉब्लम थिबो रिलेटेड टेस्टिंग किंबा शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट से माने 1929 को ए समय रे कॉल करि करि ताहार बेनिफिट ता नहीं परिबे वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ता छड़ा गोटे इम्पोर्टेन्ट डेवलपमेंट होती आज जो वेस्ट बंगाल रे लोक ये फेरुंतर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करी से हिसाब रे रेलवे स्टेशन रे एबे हमार रजिस्ट्रेशन काउंटर कराई प्लस एयरपोर्ट रे भी हमार पूरा टीम लगी अच्छा सो एयरपोर्ट रे आसवा लोकों विषय में पूरा क्लीयर कट इनस्ट्रक्शनस अच्छी कि केमी चेक कर एंड इन केस से माने टेस्टिंग कराई ना 48 आवर्स भीतर आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट नाही किंबा से माने डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं नहांती तो तांको हमको गवर्नमेंट फैसिलिटी क्वारंटाइन रखा पड़ो किंबा से माने पेड नोटिफाइड पेड क्वारंटाइन सिस्टम जाकर रही सिमिलरली
आज गवर्नमेंट जो कल गोटे गवर्नमेंट अर्डर करें रिगार्डिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स से विषय में भी आम आज सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स रा डेटा नहीं छु तांकर मोर देन 30 बेडेड जिते हॉस्पिटल्स अच्छा भुवनेश्वर में तांकर संगे आम कथा हेलु थ्रू वीसी एंड केतेटा रिप्रेजेंटेटिव आसीथिले एंड आमे तांकर रिक्वेस्ट करलु कि ये जो गवर्नमेंट रा गाइडलाइन अच्छी रिगार्डिंग 50% बेड कैपेसीटी से माने कोविड पेशेंट पाई रखिबे प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स रे ट्रीटमेंट रा जो चार्जेस अच्छी ताकू से माने मनिबे से विषय रे भी आम कथबार्ता हेलु एंड आम तांकू से हिसाब रे सुटेबली इंस्ट्रक्शन पास करिछु कि गवर्नमेंट गाइडलाइन को जेमती भुवनेश्वर में आम इम्प्लीमेंट करिबा। राज्य में वर्तमान ट्रिपल म्यूटांट चिन्हट होता जमापड़ना पश्चिमबंग दिल्ली और छत्तीसगढ़ चिन्हट होती नुआ भूताणु शीघ्र व्यापुच्छी नुआ भूताणु को कोविड टीका रोकब कि नहीं तार अनुधान चलती द्वितीय डोज नेपर संक्रमण कम होगा आशंका रही से आहरी घर हस्पिटाल को राज्य सरकार टीका देवे ना उत्पादन संस्था ठार् घर हस्पिटाल टीका किणवे मूल्य निर्धारण अनुजाई 600 टकर टीका किणवे भारत वर्षे वर्तमान सुधा 13 कोटी अधिक टीका दि सारी टीका ने मृत्युहार कम रहा सहित अधिक संक्रमण होना ओडिशा रे टीकार प्रथम डोज नहीं पाखापाखी 50 जन संक्रमण होती द्वितीय डोज ने संक्रमण होबना राज्य में सप्ताहांत सटडाउन घोषणा होतिबारु शनि और रविवार टीकाकरण कार्यक्रम बंद रहिबो टीकाकरण प्रक्रिया सोमवार ठारु शुक्रवार चालू रहिबो वर्तमान टीका अभाव 800 सेंटर बंद रही तेज 18 वर्षरु अधिक वयस्क टीकाकरण मे 1 तारिख रहिबो एने भारत सरकार गाइडलाइन जारी कले सही अनुसार टीकाकरण कराजिबो। भाइरस गोटे बॉडी रू आउ गोटे बॉडी को जेतळ संक्रमित होउची तार म्यूटेशन होउची तार नेचर ऑफ बिहेवियर भाइरस रो चेंज होउची तार जो सरफेस प्रोटीन डा छि जोटा कि हमरो इन्फेक्शन को करूची जोटा हमरो सेल को अटैच होउची जो प्रोटीन डा तार म्यूटेशन होउची म्यूटेशन माने ता देह रे जो प्रोटीन अछि तार भीतर एमिनो एसिड किछ थाए किछ एमिनो एसिड डिलीट हो जाय आ किछ एमिनो एसिड मिसि जाय सो देयर ऑकर्स ए म्यूटेशन तेणु आमर जोटा डबल म्यूटेंट थिला जोटा थिला B1.617 एटा जो ट्रिपल म्यूटेंट कहुचन दैट इज B1.618 जोटा से थ्रे भी किछिटा एमिनो एसिड डिलीट हेछ आउ किछि एमिनो एसिड चेंज हेछ सो वायरस रो नेचर टा एथरे चेंज हे जाउछ जो थ्रे कि ट्रांसमिसिबिलिटी इज वेरी हाई नंबर 1 नंबर 2 आमर जो एंटीबॉडी अछि ताकू भी ये बाईपास करिवो जो थ्रे कि आमर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होबार संभावना अछि किंतु आम राज्य रे ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन अच्छी बोली वर्तमान पर्यंत कौन सी सूचना ना केवल वेस्ट बंगाल दिल्ली छत्तीसगढ़ यही स्टेट गुड़ाक म्यूटेंट स्ट्रेनटा अच्छी बोली वर्तमान पर्यंत जहाँ सूचना अच्छी आम राज्य में सेमती किसी सूचना ना। कोरोना नियंत्रण को नहीं सरकार को गुरुत्वपूर्ण परामर्श देते वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय महापात्र करोनार एभली संकट स्थित रे टेस्टिंग बढ़ाचिपा दरकार टेस्टिंग किट्र उत्कट अभाव जुगु टेस्टिंग आगक जापना टेस्टिंग किट ओ पीपी किट्र परिमाण बढ़ात दैनिक लक्ष्य टेस्ट करातु पश्चिमबंग ओडिशा मध्य 100 गला बाट अच्छी से सब बाट को जगवा दरकार से हीपरी पुलिस मोबाइल भ्यान अधिका कर दरकार से हीपरी प्रवासी समस्या बढ़ी महाराष्ट्र दिल्ली और गुजरात ओडिशा पिला अति दयनीय भाव मृत्युवरण करविन्न राज्य चारोटा भवन को 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष भाव व्यवहार कर सरकार को परामर्श देते टोल फ्री नंबर जारी कराऊ सीमांत जिले में मोबाइल टेस्टिंग भ्यान जरिया टेस्टिंग करोना योद्धा स्पृहा कमुची से इनसेटिव व्यवस्था कर गणमाध्यम प्रतिनिधि को सम्मुख योद्धा घोषणा करने टीका दिया पश्चिमबंगल आम पे एक बेसी विपद आणुच्छे जेहेतु बंगला तो विपद आणुच्छे राज्य सरकार कहते जे आम सब चेकिंग करूँ बॉर्डर पोस्ट रे ता सत्वे भी गोटे गाड़ी आसिक पहुँचला जो टेस्ट बंगला पश्चिम बंगला और ओडिशार बॉर्डर ये बॉर्डर रो प्राय 100 बाट अच्छे ये सब 100 बाट को जगवा योजना कर दरकार पुलिस जदि भावु केवल आम नेशनल हाईवे और मेन मेन रास्त जलेश्वर चेक गेट रे जगे देव तेज कि लाभ हावन से दृष्टि ताकू गुरुत्वर सह नाप पड़ पश्चिम बंगलार अवस्था कहना पश्चिम बंगला आम बेस घातक होठ गुड़े लोक बर्तमान आसिले
तुरंत सरकारी स्तर रे अधिक पुलिस मोबाइल भान दुईटा जिला को सरकार आइडेंटिफाई करछंती, गोटे हो बालेश्वर गोटे हो मयूरभंज, ता संगे केउंजर भद्रक को जोड़ा जावा आवश्यक एवं ए चारोटी जिले रे एडिक्वेट नंबर ऑफ मोबाइल पुलिस वैन्स बुलवा दरकार फॉर चेकिंग सुविधा हो पार एवं ट्रेन जो मैंने यात्री मैंने आसुंती ट्रेन को सब स्टेशन न रखापी राज्य सरकार ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी मानक संगे आलोचना करंतु। महाराष्ट्र बिचा स्थित विजय वल्लभ हॉस्पिटल अग्निकाण्ड हॉस्पिटल आईसीयू रे निया लागिबारु 14 जन रोगी हराइथिबा सूचना मिलछि। प्राय 17 जन रोगी आईसीयू रे थिले। आईसीयू रे थिबा एसी रे सर्ट सर्किट हेबा कारणरु निया लागिथिबा अनुमान करा जाउछि। तबे 5 जन अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले सेमानको अन्यत्र स्थानांतर करा जाइछि। एने सूचना दैछन्ती हॉस्पिटल सीईओ डाक्टर दिलीप जैन। सेबडे मृतकक परिवार प्रति संवेदना जणाइले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देशरे राजधानी कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रही। संक्रमित संख्या बढ़ुवा बेले ऑक्सीजन अभाव कोरोना मुकाबलार बड़ बाधक साजिश। मुकाबला भितर दिल्ली सार गंगाराम हस्पिटाल एक दुखद भयानक घटना सामना को आसी। गत 24 घंटा रे हस्पिटाल 25 जन गुरुतर आक्रांत प्राण हर आउ 60 जनकर जीवन एवं संकट में। गंगाराम हस्पिटाल एवं जी ऑक्सीजन महजूद अच्छी ताहा 2 घंटा भितर शेष ऑक्सीजन अभाव को हस्पिटाल थिबा वेंटिलेटर बाईपास ठीक रे काम करूना तुरंत ऑक्सीजन जोगाय देबाकू हस्पिटाल कर्तृपक्ष निवेदन करिसेंती। संक्रमण शीर्षे पहुंची भारत। गत 24 घंटे 3,32,518 संक्रमित चिन्हट होती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 67,013 जन संक्रमित चिन्हट होती। सेपटे दिल्ली में 26,169 जन आक्रांत चिन्हट होता बेले उत्तर प्रदेश में चिन्हट होती 34,254। से हीपरि छत्तीसगढ़ में 16,750 संक्रमित चिन्हट होता बेले केरल 26,995 और पश्चिमबंग 11,948 जन संक्रमित चिन्हट होता सूचना मिली। सेपटे राज्य में लग रही कोरोना विभीषिका। गतकाली परी आज भी 6,000 उपरे रही संक्रमित संख्या। आज 6,215 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। क्वारंटाइन 3,604 और लोकाल केस रही 2,611 जन। आज भी आगरे रही खोर्धा जिला। यह जिलूार आज 950 पॉजिटिव चिन्हट होती। 6,215 पॉजिट मध्य क्वारंटाइन 3,604 चिन्हट होता बेले लोकाल केस रही 2,611। स्वागत। मृत्यु पर भी शव पाउच निर्यातना। केन्दुझर जिला घटगा अंचल शव व्यवच्छेद केन्द्र अनेक समस्या उपजुच्छे। शव व्यवच्छेद केन्द्र को नहीं घटगा अंचल असंतोष वृद्धि पाइबा सह अंचलवासियों एक मुख्य समस्या हो। मृत्यु पर भी शव एटी पाउच निर्यातना विश्वास कथाटी सत। आम कहू केन्दुझर जिला घटगा अंचल कथा गांवें शव व्यवच्छेद केन्द्रटे नभली समस्या उपजुवा अभोग तेज गरीबों बोझ सदृश हो कथा हूँ जदि छोटमोट आक्सीडेट होक जदि किसी से एंजोर्ड होती तो से चिकित्सा करने ठीक ठाक से बट जदि गोटे लोक डेथ हो जा तो एमती बहुत आक्सीडेट हो समस्त डेथ हो जा तो से आमको एठ 50-60 किलोमीटर दूरिया जावाई पड़ी से पोस्टमर्टम करने लोक तो घटना अंचल बहुत गरीब श्रेणी लोक अच्छा ये अपमृत्यु हो कि दुर्घटना हो सप्ताह प्रतिदिन चली किंतु गरीब श्रेणी लोक मैंने जापार ना ये आम तीन टा जगार अच्छी गोटे केउंझर गोटे पटना गोटे आनंदपुर जदि को कह गरीब लोक गोटे सबटे नहीं जीवाप पोस्टमर्टम करने चाहिए तेल गाड़वाला गला गाड़वाला 5,000-6,000 टाँह डिमाण कर जहाँफल लोक बहुत हताश हो जा। बहु वर्ष ते घटगारे एक शव व्यवच्छेद केन्द्र थिला मात्र से ही स्थान रे धीरे धीरे जनबसति गढ़ी उठिथिबा बेले 1990 मसीहा ठारु आउ कार्यक्षम होइना हि। स्थानीय बासिंदा जिलापालक निकट रे बारंबार अभियोग करि आसुथिले मध्ये एहा भितरे अनेक जिलापाल बदली हेलेनी हेले समस्यार समाधान होइ पारे नाहि। एने घटगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रर मुख्य चिकित्सक कहिसेंती शव व्यवच्छेद केन्द्र पर आवश्यक भित्तिभूमि नथिबारु एहा होई पारु नाही।
एने से जिला प्रशासन को अवगत कराइछन्ती। 1985 मसीहा पूर्वरु इठी जेते बेले से जो थाना गृह आमर रहिछि से पाखरे पुरणा डाक्तरखाना थिला, सेही टाइम रे इठी पोस्टमार्टम केन्द्र गोटे थिला। तो जेते बेले जनबसति बढ़िला इठु धीरे धीरे लोक इठी रहिबा स्टार्ट कले, सेते बेलकु ई जो मेडिकल अन्य जगह शिफ्ट होगला। तो सेबेठारु इठी आउ पोस्टमार्टम सेन्टर नाही, पूर्वरु पोस्टमार्टम थिला मेडिकल पाखरे दि। कि दुखर विषय घटना एवं चलचंचल विभिन्न भक्त समारोह प्रतिदिन दुर्घटना मान विभिन्न प्रकार मृत्युहार घटना थाना पड़ रही थे घटना मेडिकल थी से मैंने शबटी नहीं सत्कार पोस्टमार्टम टे करने अनेक अर्थ व्यय करा पड़ी मिनिमम 5-6 हजार टाँह नदेने गाड़ीवाला मंगूना। आमर ये जो तीन टा ब्लक रहा हरचमपुर घटगाँ पटना बर्तमान पटना ही अच्छी पोस्टमार्टम सेन्टर सेपटे केन्दर अच्छे एपटे आनंदपुर अच्छे घटगाँ बहुत दीर्घ दिन तले जो पुराणा डाक्तखाना था गोटे पोस्टमार्टम सेन्टर थी समस्त कौन जोटा कि 50 वर्ष तले से बाबद मुझे इनक्वारी करी जोटा कि सरपंच लिखीदे जे जोबले पुराणा डाक्तखाना था से गोटे पोस्टमार्टम सेन्टर थी से डाक्तखाना जो उठी आसा नुआ जगह को तापर गोटेटा बंद अच्छी से जो पुराणा डाक्तखाना एवं थाना चलती थाना बाबू सहित मुझे कथबार्ता होती एस डी पीओ सहित से कहले जी ट्रांसफर है कौन दस्तावेज अवेलेबल ना आम बाहर कर। तेज घटगाँ में शव व्यवच्छेद केन्द्र कार्यकारी हेले घटगाँ ब्लक समेत 15 किलोमीटर दूर या हरिचंदनपुर ब्लक बासिंदा सुविधा पाईपारते मत प्रकाश पाई। घटगाँ छविंद्र कुमार जेना रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। बदलिला पुरी स्वर्गद्वार चित्र, सुव्यवस्थित ढंग से पुराणा स्वर्गद्वार पाइब नुआ रूप। पुरी स्वर्गद्वार आरंभ होछि शवदाहर ड्राई रन। जिलापाल समर्थ वर्मा अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रे ड्राई रन होछि। स्वर्गद्वार उन्नतीकरण पर निर्माण होइतिबा शवदाह स्थान रे किभली शव संस्कार सहजरे होइ पारुछि अथवा असुविधा होछि तने एही ड्राई रन करा जाउछि। खाली काठ को जड़ा जाए एही ड्राई रन करा जाउतला। शवदाह स्थान में एककालीन एकाधिक शवदाह किभली संभव हो पार देखा। स्वर्गद्वार उन्नतिमूलक कार्य पुनः उद्धार पर राज्य सरकार मंजूर करते 5 कोटी टंका। शवदाह पिंडी संघ को अस्थि रखा लकर पानी जल व्यवस्था सीसीटीवी व्यवस्था अपेक्षा गृह टॉयलेट पूजा स्वतंत्र व्यवस्था संघ को अनेक किसी उन्नयनमूलक कार्य कर तेलंगाना महाप्रस्थान ढांचे पूरी स्वर्गद्वार विकास कर। श्रीदामचंद्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्तर पदवी फांका थिबारु रोगी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती। आदिवासी अधिकृत अंचल में सरकार डाक्तरखाना प्रतिष्ठा करिसेंती हेले डाक्तर पदवी पूरण करने को दावी करी स्थानीय लोके डाक्तरखाना सम्मुखरे धारणा बसिंती। सूचना अनुसार खुंटुबणि ग्रामर रईमणि बास्के गुरुतर अवस्था श्रीदामचंद्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होते 2 घंटार ऊर्ध डाक्तर न आसवा द्वारा रोगी को तुरंत उदला डाक्तरखाना को स्थानातर कर बारंबार एपरी घटना घटुव स्थानीय लोके डाक्तरखाना को बंद कर फल डाक्तर निजुक्ति पर डाक्तरखाना खोल ग्रामवासी दावी कर। बहुत थर गंडोल है कि डाक्तर मझे आसीगले 3-4 डाक्तर होगा फार गंडोल है गंडोल है रोजदास एम एल चला गंडोल होता है पुणी फार डाक्तर ना आए डाक्तर आसूँ किद रही से पलि ये डाक्तर जो 3-4 रहा कथा रे ना डाक्तरखाना बंद हो ये डाक्तरखाना रहा दरकार ना। लंच नेउथवा बेले विजिलेंस हाथरे पड़िले धरा। कलाहांडी कलामुंडा ब्लॉक सदरस्थित तहसील ऑफिस रो आरआई रमेश परळ 2000 टंका लंच नेउथवा बेले विजिलेंस रेड करछि। अभियोगकारी बीरंची चौधरी को एक जमीर डिमार्केशन करी रिपोर्ट मागबा पई आरआई श्री बराळ को पाख को जाइथिले से 2000 टंका लंच मागिथिले हेले 2000 टंका लंच नेबा बेले विजिलेंस डीएसपी सत्यवान महानंद को नेतृत्व रे एक टीम चढ़ाव करथिला ओ श्री बराळ को गिरफ्त करथिला। बारीपदा सहर दे जाइथिबा 18 नंबर जातीय राजपथर मुर्गबाड़ी निकट में मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना दुई मृत गोटे मोटरसाइकल तीन जन जाउथिबा बेले पछपटु गोटे बाली पुछी मिनी ट्रक पिटिदेबा फल घटनास्थल दुई मृत एवं जणे गुरुतर होती। मृतकों परिचय वर्तमान सुधा अस्पष्ट रही। घटनास्थल में बारीपदा टाउन पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर।
ସମୟ ସରିଛି। ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ 3 କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।